ये हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, सियाती मकाम गुलमर्ग में शानदार करतब दिखाते हुए। वैसे तो सियासत में उमर अब्दुल्ला का बोलबाला है ही, मगर बर्फ की सफेद चादर पर भी वो उतने ही होशियार, चालाक, समझदार और हुनर दिखाते नजर आ रहे हैं जितना वो पॉलिटिक्स की पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़ा समुद्री सतह से कई पहाड़ी सिलसिलों को छूता हुआ ऊंचाई पर सियाती मकाम गुलमर्ग, उमर अब्दुल्ला यहां पर स्कीइंग कर रहे हैं और प्रॉपर एक प्रोफेशनल स्कीयर लग रहे हैं। स्कीयर वो होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इसी तरीके से अपने हुनर के दम पर बर्फ की सफेद चादर पर, आपको तो वैसे लगेगा कि फिसलन है, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल तरीका स्कीइंग का यही है। उमर अब्दुल्ला आपको नीली जैकेट और ब्लैक पैंट या दो किस्म की अलग अलग रंगों में पहने हुए सूट में नजर आएंगे। ये वो खेल है जिसमें स्की बूट्स की जरूरत होती है, इसके अलावा पुशपिन स्की बोल्स की जरूरत होती है, जो उनके हाथ में आप दो स्टिक्स देख रहे हैं। इसके अलावा ग्लाइड स्कीज होते हैं। डाउन हिल्स में जब उमर अब्दुल्ला की तरह हजारों लोग इस शौक को पूरा करने के लिए या स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो बाइंडिंग्स उनके पैरों में लगी होती हैं जो जूतों के नीचे हैं। उसके अलावा लंबे बूट्स या जूते, चिल्ड्रंस की बूट्स भी होते हैं, बड़ों के लिए भी होते हैं, और स्की पोल्स जो इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं, ये भी मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं। ये प्रॉपर एक किट है, अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो इन दिनों सियाती मकाम में है, बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन इस दौरान बदकिस्मती से एक हादसा उनके साथ पेश आया। लेकिन खबर अच्छी है, उमर अब्दुल्ला इतने हुनरमंद हैं, इतने मुश्किल दौर में सियासत की पिच पर जहां बैटिंग करने वाले बैट्समैन या ऑलराउंडर उमर अब्दुल्ला कभी शिकस्त नहीं मानते, यहां पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही, मगर उन्हें शिकस्त नहीं मानी। इस तस्वीर में आगे देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ स्कीइंग करते हुए गुलमर्ग में नजर आ रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन करतब दिखाए, कमाल किया, शानदार तरीके से स्कीइंग के न सिर्फ उन्होंने करतब दिखाए, बल्कि वादी कश्मीर के खूबसूरत मौसम में वो कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं और आज इन दिनों में शानदार अंदाज में स्कीइंग भी करते हैं, इसका एक मुजाहिरा उन्होंने फिर से पेश किया। मगर ये वो मकाम है जहां उमर अब्दुल्ला के लिए थोड़ी बुरी खबर है। उमर अब्दुल्ला यहां से बाल बाल बच गए। ये दूसरी तस्वीर है, जंगलों के बीच में से खूबसूरत हरे भरे मैदान और बर्फ की सफेद चादर, लेकिन मैदान आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि 3 से 3.5 फीट बर्फ इस इलाके में पड़ी है और सीजन की इस बर्फबारी के साथ बाकी स्कीयर्स भी पहुंच रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी उनमें से एक है। जूते, इसके अलावा स्की पोल्स, बाइंडिंग्स, बैग, मुख्तलिफ अकसाम के आप कह सकते हैं कि ड्रेसेस पहनकर यहां स्कीयर पहुंचते हैं और गुलमर्ग के अंदर शानदार अंदाज में करतब दिखाते हैं। उन्हीं में से उमर अब्दुल्ला भी एक है। अचानक से उस मकाम पर जहां उन्हें अपने बैलेंस उनका खराब या बिगड़ते हुए देखा, बाइंडिंग से जूता निकलता है, लेकिन फौरन से खुद को वो संभाल लेते हैं और ना ही वो चोटिल हुए। ये वही शख्स है जो जम्मू कश्मीर में पहले साबिका रियासत और अब मौजूदा यूनियन टेरिटरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर है। 2009 से 2014 के दरमियान बतौर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर में रहे। अपने कई बड़े कामों, तरक्याती मनसूबों और बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से काफ़ी मकबूल है और एक ऐसे सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है जहां जम्मू कश्मीर की तारीख को जब जब याद किया जाएगा, उमर अब्दुल्ला को आप उससे दूर नहीं कर सकते। ये वही शख्स है जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आज भी पहले की तरह हमें रियासत मिले इसका मुतालबा बार बार करता है। ये मरकजी वजारत खारजा में भी रह चुका है वाजपेयी साहब के दौर में, लेकिन सियासत के अलावा ये सियाती सरगर्मियाँ या खेल सरगर्मियाँ जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ पर दमखम दिखाते हैं। स्टेमिना है,
ताकत है, दम है, हुनर है, इतनी कुव्वत कि इस खूबसूरत इलाके में बर्फीले पहाड़ों पर, डाउन हिल्स पर एक बेहतरीन प्रोफेशनल स्कीयर होने का भी उन्होंने आज सबूत पेश कर दिया है। उमर अब्दुल्ला पार्टी के बाकी लोगों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला इसलिए तवज्जो का मरकज बने हैं क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसा खूबसूरत मकाम है जहां बड़ी तादाद में मकामी और गैर मकामी सयाह पहुंच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या शहरियों के लिए अच्छी खबर कि उनका लीडर उमर अब्दुल्ला सही सलामत वापस लौट आया है। इतलात यह है कि बीच में फिसलन की वजह से कई बार मुसीबत भी आती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला पहली बार नहीं, इससे पहले भी जाते रहे। कई लोग सोशल मीडिया पर या बाज़ मुबस्सरीन अपनी अपनी आरा ऐसे भी पेश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हुआ तभी उमर अब्दुल्ला यहाँ गए। नहीं, उमर अब्दुल्ला का जवाब या उनकी तारीख बताती है कि वो माजी में भी इस तरह के करतब दिखाते आए हैं। ऐसी सरगर्मियों में वो मशगूल रहे, हादसात हों, बुरा वक्त हो, कुछ भी हो, उमर अब्दुल्ला शिकस्त तस्लीम करने वालों में से नहीं है। यही उन्हें बड़ा लीडर बनाती है। ये वो मकाम है जहां बड़ी तादाद में इस बार स्कीयर्स आपको नजर आएंगे, मगर उन्हीं के बीच उमर अब्दुल्ला भी एक है जो प्रोफेशनल स्कीयर की तरह वादी कश्मीर के इस खूबसूरत मकाम पर, डाउन हिल्स पर, जहां शायद ये सफ़र ख़तरों से कम नहीं है, मगर उसके बावजूद भी करतब दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक इन दिनों ज़रूर वो स्लो चले हैं, उनकी नज़र में वैसे ये भी स्लो स्पीड है, लेकिन एक्सेप्शनल है, शानदार है, बेहतरीन है, सबसे अच्छी। यहाँ पर थोड़ी सी बुरी खबर थी, वो आप इस तस्वीर में देखिए, मगर उमर अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। ये वो खेल है जो विंटर स्पोर्ट्स का हिस्सा है, जिसमें कपड़े एक मखसूस किस्म के होते हैं। डाउन हिल स्कीइंग में गॉगल्स की भी ज़रूरत होती है, हाथों और पैरों को मखसूस और गर्म कपड़े, हेलमेट कैमराज, मेंटेनेंस और केयर का सामान।